नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे टू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं या लिंक नहीं, आप लोग लिंक करना चाहते हैं, आपका आधार है या फैमिली में किसी का आधार है, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट कर सकते हैं, चलिए बता देता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, से आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। फिर ऐसा पेज ओपन होगा, आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सुख रहा नेम, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना होगा और यहाँ पे देखिए एड्रेस, आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे पिन कोड, दोस्तों आपको अपना पिन कोड लिखना है, ईमेल एड्रेस आपको ईमेल आईडी ऐड करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर यहाँ सेलेक्ट सर्विस, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस में काफ़ी सारी सर्विस शो कर रही हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखिए IPPB आधार सर्विस हमें यहाँ पे टिक करना होगा। इतना बाद फिर नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा सेलेक्ट, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखे दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे देखे UIDAI, दोस्तों से देखे आप 5 साल से कम बच्चों का देखे आधार एनरोलमेंट बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दोस्तों से आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं चेंज कराना चाहते हैं तो आपके यहाँ सेकेंड वाले पे क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद यहाँ आपको रिक्वेस्ट OTP यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखें मेरे नंबर पे OTP आ गया है, यहाँ OTP इंटर कर देता हूँ, 5654 5654। फिर यहाँ हमें कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट सबमिट हो गए और यहाँ रिक्वेस्ट सबमिटेड और सक्सेसफुली और यहाँ देखें रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर। दोस्तों ये नंबर आपको देखें नोट कर लेना है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों इतना कर लेना है, फिर दोस्तों जैसे आप लोग इसे ट्रैक करना चाहते हैं स्टेटस देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर ऑप्शन शो कर रहा क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और जैसे यहाँ पे देखें इंटर योर मोबाइल नंबर रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर, यहाँ पे देखें आप लोग मोबाइल नंबर या रेफरेंस नंबर ऐड करके या फैच वाले पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखें आपको स्टेटस यहाँ पे शो करेगा, दोस्तों यहाँ पे देखें मेरा पेंडिंग है अभी किया हूँ तो इसलिए ऐसा शो करा, तो दोस्तों आपको इतना कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक पर्सन आपके पास देखें विजिट करेंगे, जो आप एड्रेस दिए हैं यहीं पर आएंगे और फिर देखें बायोमेट्रिक के थ्रू आपके आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे। दोस्तों इसी तरह आप लोग बहुत आसानी से घर बैठे अपने आधार में मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं।